मशहूर उपन्यासकार और लगभग आधा दर्जन फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर वेद प्रकाश शर्मा अब नहीं रहे। शुक्रवार देर रात उनका निधन हो गया। 62 वर्षीय वेद प्रकाश शर्मा पिछले एक साल से बीमार थे। मेरठ से मुंबई तक उनका इलाज चला, लेकिन शुक्रवार रात उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं शनिवार को मेरठ के सूरज कुंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। कहा जाता है कि वेद प्रकाश शर्मा की नोवेल वर्दी वाला गुंडा ने धूम मचा दी थी। साल 1993 में पहले ही दिन इसकी 15 लाख कॉपियां बिक गई थी। मेरठ शहर के सभी बुक स्टॉल से नोवेल घंटों में गायब थी। इसी नोवेल से उन्हें पहली बार शोहरत मिली। एक अनुमान है कि इस उपन्यास की अब तक 8 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। उन्होंने 1985 में खुद तुलसी पॉकेट बुक्स के नाम से प्रकाशन शुरू किया। उनके 70 से ज्यादा उपन्यास इसी प्रकाशन ने छापे हैं। इन्होंने केशव पंडित, बहु मांगे इंसाफ, दहेज में रिवॉल्वर, डायन, भस्मासुर, सुपरस्टार, पैंथरा, सारे जहां से ऊंचा, रैना कहे पुकार के, लाश कहां छुपाऊं, मर्डर लैंड, मंगल सम्राट विकास समेत 250 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं। यही नहीं, वेद प्रकाश शर्मा करीब 6 फिल्मों में स्क्रीन प्ले राइटर भी रहे। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी उनके उपन्यास लल्लू पर आधारित थी। इसके अलावा इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म की पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी। उनके उपन्यास छोटे पर्दे पर सीरियल के रूप में भी सामने आए हैं। तो अपनी जासूसी नॉवेल के लिए मशहूर वेद प्रकाश शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने उपन्यासों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।